हैदराबाद शहर में नामपल्ली बाजार घाट एरिया में आज जो फायर एक्सीडेंट हुआ है, लगभग 8 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और उसमें बच्चे भी है और 2 बच्चे उस्मैन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे। मैं अभी पुलिस अधिकारी को बुलाऊं, वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उसको ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए, उसको जान बचाना चाहिए। और जो नीचे वेयर हाउस था, केमिकल वेयर हाउस, ऊपर 16 फ्लैट्स किराए को रहने वाले लोग थे, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, इसके कारण जो नीचे फायर हुआ है दीपावली के टापा के कारण, और ऊपर रहने वालों का इसमें आग लगने के कारण केमिकल का जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो लोग जान चले गए। मैं हैदराबाद शहर में लगातार इस 4-5 साल में मैं लगातार सरकार को बता रहा हूँ, सिकंदराबाद एरिया में, अलग अलग एरिया में इल्लीगल वेयर हाउसेस के कारण ऐसा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जनता ज़्यादा रहते हैं, कमर्शियल है उस एरिया में, जो वेयर हाउसेस नहीं रहना चाहिए, मगर क्यों वेयर हाउसेस रखे पता नहीं। बार बार सरकार को बताता रहता हूँ, जितने भी वेयर हाउसेस है, वेयर हाउसेस के कारण ही एक्सीडेंट्स हो रहे। ये पेपर वेयर हाउस हो, केमिकल वेयर हाउस हो, ऐसे जो एक्सीडेंट होने का उम्मीद रहते हैं, ऐसा कोई वेयर हाउस हैदराबाद में जनता के बीच में रेजिडेंशियल एरिया में नहीं रहना चाहिए। बार बार मैं सरकार को बता रहा हूँ, मगर सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे। ये सरकार बात बहुत बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। बात बड़ा बड़ा बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अभी लगातार मैं चीफ सेक्रेटरी को, अलग अलग अधिकारियों को, मेरा मिनिस्ट्री के तरफ से पार्लियामेंट मेंबर के तरह मैं लोगों को लिखाऊं, अधिकारियों को लिखाऊं, और जब भी एक्सीडेंट हुआ जो समय भी बताऊं, मगर कोई कदम नहीं उठाया। अभी भी मैं बताना चाहता हूं, जितने भी वेयर हाउसेस है, जो रेजिडेंशियल एरिया में हो, कमर्शियल एरिया में हो, जो एक्सीडेंट होने का उम्मीद है, सभी वेयर हाउसेस को हैदराबाद से उठाकर सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। एक ड्राइव तेलंगाना सरकार, GHMC, पुलिस अधिकारी मिलकर करना चाहिए। जितने भी वेयर हाउसेस है, सभी वेयर हाउसेस को हैदराबाद शहर से बाहर ले जाना चाहिए। दूसरा विषय है, जो केंद्र सरकार के तरफ से जो भी जान चले गए, उन गरीब परिवारों के लिए मैं प्रधानमंत्री से बात करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट आज शाम तक मैं घोषणा करूँगा।